सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है, सस्पेंशन हुआ है अफसरों का। वो तो स्कैपगोट बनाया जा रहा है ना अफसरों का, इसमें अफसरों का अकेले का दोष नहीं है। सवाल है सिस्टम है यूपी में क्या। जब से ये सरकार आई है तो ये पहला केस नहीं है, पहले लिंचिंग का केस चला, फिर दूसरे लोगों को मालूम होने का, फिर अपने विरोधियों को मारने का शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, फिर केसेस बनाने शुरू कर दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए, ये तो रोज़ का रूटीन हो गया है यूपी के लिए। इसमें तो जिम्मेदार खाली पुलिस नहीं है, पुलिस तो एक हिस्सा है, ये वहाँ की लीडरशिप का और उस लीडरशिप की मानसिकता और उसकी सोच दिखाती है कि क्या हो रहा है। हमने हाईवे पे देखा था किस तरह से राहुल गांधी को धक्का दिया था वहाँ की पुलिस ने, और नहीं किस उसकी, तरीके से उसकी तो हमने चार्ज हुआ था। उसकी हम, वैसी तैयारी है सर, उसकी तो तैयारी ठीक है, उनकी तैयारी है, उनका तो सिस्टम ही वही है जी। हमारा सिस्टम कांग्रेस पार्टी का गांधी वाला सिस्टम है, और उनका सिस्टम सबसे मालूम है 1947 से उनका क्या सिस्टम। और फोटो आपके लिए कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, ये आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। फोटो अपॉर्चुनिटी कौन करता है ये सबको मालूम है। तो गुलाम नबी आजाद साहब थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, साफ तौर पर कह रहे थे कि फोटो अपॉर्चुनिटी कौन करता है सबको पता है। काफ़ी जो डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का जा रहा है उसमें तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, सांसद और महासचिव पार्टी के, वो इस दल का हिस्सा होंगे। राहुल गांधी जो है वो नेतृत्व करेंगे इस दल का, और ये तमाम नेता आपसे चंद मिनटों में यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे के लिए। और आज भी हमें बताया जा रहा है कि DND टोल प्लाजा होते हुए ही आगे हाथरस पहुंचेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।